मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के सिरोंज में जनपद पंचायत सीईओ शोभित त्रिपाठी ने कागज पर कम उम्र दिखाकर 70 साल के बुजुर्ग की शादी होना बता दिया। जिनके यहाँ बेटी नहीं है उनकी भी बेटी के विवाह होना बताकर विवाह योजना सहायता में शासन से मिलने वाली 51,000 रुपए की राशि हड़प ली। इस तरह से उन्हें कोरोना वायरस की लहर में लॉकडाउन के दौरान 3500 जोड़ों का फर्जी विवाह करा दिए। यहाँ सारे तथ्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की जाँच में सामने आए हैं। ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकता में बताया गया कि जांच के दौरान कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं। इसमें जनपद सीओ त्रिपाठी ने कंप्यूटर ऑपरेटर की मदद से दस्तावेजों में हेराफेरी की है। कुछ मामले ऐसे मिले हैं जिनमें एक ही व्यक्ति की 2 से 3 बार शादी होना बताया गया है। इसके अलावा जिनकी बरसों पहले शादी हो गई थी उनके नाम भी इस योजना में पात्र हितग्राही के रूप में दर्ज किए गए हैं। ईओडब्ल्यू की जांच में पता चला कि जिनके नाम पर विवाह सहायता योजना की राशि मंजूर करना बताया, हमें पता ही नहीं कि उनके नाम से कोई राशि जारी हुई है। उनके साथ ही जनपद कर्मचारियों के रिश्तेदारों के नाम पर भी फर्जी विवाह दिखाकर राशि आहरण के सबूत मिले हैं। ईओडब्ल्यू के जांच अधिकारियों के मुताबिक इस घोटाले में कुछ पंचायत सचिव भी घोटाले में शामिल लोगों ने फर्जी दस्तावेजों से बैंक में फर्जी नामों से खाता खुलवाया और बाबा योजना में सहायता राशि इन खातों में डालकर निकाली गई। अधिकारियों का कहना है कि इस घोटाले में लिप्त कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोरोना महामारी के चलते वर्ष 2020 में पूरे देश में 5 बार 98 दिनों का लॉकडाउन रहा, जिसमें सारी गतिविधियां बनती हैं। लेकिन संयोग जनपद में 1 अप्रैल से 30 जून की अवधि में भी बेटियों के विवाह होना बता दिया। योजना में लेन देन जो 30 करोड़ के आसपास का बजट था उसमें कुछ दलाली थी। कर्मकार मंडल योजना काफी दिनों से चल रही है, मुझे आए हुए यहाँ पर 2 साल हुए हैं। जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं निराधार हैं, क्योंकि यहाँ पे जो शादियों का आंकड़ा दिया जा रहा है वो तो पिछले 5 सालों का दिया जा रहा है। मुझे 2 साल हुए हैं, 2 साल में उतनी शादियाँ नहीं हुई, नंबर वन। सेकंड, कोरोना काल में अगर ये कहा जाता है कि शादियाँ हुई हैं तो उस समय कोई प्रतिबंधित नहीं थे। इंडिविजुअल विवाह जो व्यक्तिगत शादियाँ थी कर्मकार मंडल योजना में लोगों ने अपने घरों में कराए हैं और व्यक्तिगत आवेदन आए हैं, कई तरह से आए हैं। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आए हैं, एनजीओ के माध्यम से आए हैं, हितग्राही स्वयं आया है और वो आवेदन मैंने लिए हैं। और जो भी ये सब कुछ हुआ है उसके बारे में जो मूल कारण है वो आप लोगों को सबको मालूम है, वो राजनीतिक द्वेष के कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सर, लेकिन जो आंकड़ा है ये तो खुद श्रम मंत्री ने विधानसभा में दिया है। विधानसभा में जो दिया गया है वही तो बता रहे हैं हम आपको कि टोटल पिछले 5 सालों का आंकड़ा है, वो 2 साल का आंकड़ा नहीं है कोरोना काल का। इतनी शादियाँ 2 साल में नहीं हुई हैं। और उसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि जो ये शादियाँ आपको दिखा रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सम्मेलन जो हुआ करते थे उसके जो आंकड़े जो हैं वो सब जोड़ लिए गए हैं। हम अगर कर्मकार की ही बात करें व्यक्तिगत तो उसकी शादियों की तो वो आंकड़ा डिफरेंट है, वो तो आपको मिल जाएगा। 2 साल में आपके कार्यकाल में कितनी शादी? एग्जैक्ट फिगर अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन 6,000 टोटल है जो बताया जा रहा है। सर, दूसरा ये जो कंप्यूटर ऑपरेटर है दोनों योगेंद्र शर्मा और हेमंत साहू, हाँ, इनको बता रहे हैं अवैतनिक है यहाँ पे कर्मचारी? अवैतनिक मैं नहीं, यहाँ कर्मचारी एक तो नहीं है वो अलग बात है। मेरे आने से पहले पिछले 7-8 साल से ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं नियमित रूप से और प्रमुख काम कर रहे हैं। कोई निर्वाचन देखता है, कोई सीएम हेल्पलाइन देखता है, कोई आपके सामाजिक न्याय की सभी योजनाएं देखता है, कोई मेरे द्वारा ना ये लाए गए हैं और ना मैंने इन्हें रखा है, ये पूर्व से चले आ रहे हैं, सिस्टम में ये शामिल हैं और काम कर रहे हैं। इनको रखा गया था डेली वेजेस पे, तो डेली वेजेस पे ये रहते हैं, काम करते हैं बस। लेकिन मुख्य सचिव की लेटर आया था इस संदर्भ में? मुख्य सचिव का लेटर आया था, उसके बाद लोग हाईकोर्ट गए, स्टे ले आए, उसके बाद ये भी आदेश आया था, पूर्व मंत्री थे कमलेश्वर पटेल जी, उन्होंने कहा था कि हम इनकी नीति बना रहे हैं और शायद शासन के स्तर पर बन गई होगी। लेकिन बिना वेतन के कैसे काम करते? वेतन नहीं, वेतन इनको दिया जाता है, वेतन इनको हम देते हैं। आप पर्सनल उसमें दे रहे हैं? पर्सनल वेतन नहीं, हम जो फंड मांगते हैं जो लेते हैं दैनिक वेतन भोगियों के लिए उससे देते हैं। अब हमारा मुंह कब चपरासी है, इसके पास भी कुछ नहीं है, लेकिन इसको भी हम देते हैं, वेतन देते हैं, इसके लिए हम राज्य शासन से पैसा लेते हैं। ये दैट्स इट, थैंक यू। खबर भारत वर्ष के लिए जिला सिरोंज विदिशा से रवि विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।